प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो में रचित जो देव द्वारा पाठ है सवैया और कवि, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कवि देव के बारे में बात करते हैं। देव जो है, इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। 1673 में जन्मे देवदत्त द्विवेदी जो है सनाड्य ब्राह्मण थे। और इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर बात करें तो भाविलास, भवानी विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देवशतक, देवमाया प्रपंच, इस तरह से बहुत सारी, कहते हैं कि 72 किताबें जो हैं इनके द्वारा रचित हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 25 मुख्य पुस्तकों का उल्लेख किया है। तो रीतिकालीन ये कवि जो देव हैं, इन्होंने मुख्य रूप से कवित और सवैया छंद के अंदर अपनी काव्य रचना की। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो आपके पाठ लगता है, इसमें सवैया और कवित छंद में इनकी जो काव्य रचना है वो हमें देखने को मिलती है। पहला जो पद है ये सवैया रूप में है। तो सवैये में गेयात्मकता जो है, संगीतात्मकता है, इसका मुख्य लक्षण है। बच्चों, इसको हम गा करके समझेंगे। पायनी नूपुर मंजु बजे कटी की कनी की धुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पट पीत ही ये बोल से वन माल सुहाए, माथे की देखते हैं इसमें संगीतात्मकता या गेयात्मकता का जो गुण है वो मौजूद है सवैया छंद में। पायनी नूपुर मंजु बजे, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है और रागसी ठाट पाठ से किस प्रकार से सामंती वैभव से युक्त जो कृष्ण है वो सुंदर दिखाई देते हैं वो इसमें बताया है। कि पायनी यानी पैरों में, नूपुर होता है घूंघरू, पायजेब जिसको हम कह सकते हैं, मंजू माने सुंदर, बजे माने बज रही है, पैरों में बहुत ही सुंदर घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। कटी किंकनी की धुनी की मधुराई, कटी माने कमर में और किंकनी यानी करधनी, करधनी होती है तागड़ी जो पहनी जाती है, तो कमर में जो करधनी पहन रखी है यानी तागड़ी जो पहन रखी है उसकी धुनी यानी ध्वनि जो है मधुर आवाज उसकी सुनाई पड़ती है। पैरों में घुंघरू, पायजेब के जो घुंघरू है उनकी, और कमर में करधनी यानी तागड़ी के घुंघरुओं की सुंदर आवाज सुनाई देती है। किसके? कृष्ण के पैरों और कमर में बंधी हुई जो है। सांवरे अंग लसे पटपी, सांवले अंगों पर, लसे माने होता है सुशोभित होना, सुंदर लगना, पटपी पट माने वस्त्र, पीत माने पीले रंग के, कृष्ण के सांवले अंगों पर पीले रंग के वस्त्र जो है सुशोभित होते हैं। ये हुलसे बन माल सुहाई, ये माने दीजे पर, हुलसे माने हुलसित होती है, सुंदर लगती है, शोभायमान लगती है। क्या? बन माल, वन्य प्रदेश से बनी हुई माला, जैसे फूलों की माला, वैजयंती की माला, तो वन्य प्रदेश के फूलों से बनी जो माला है बहुत ही सुहाई माने सुंदर लगती है, सुशोभित होती है। माथे की रीट बड़े दिग चंचल, कृष्ण के माथे पर, सिर पर किरीट यानी जो मुकुट है बड़ा सुंदर लगता है, और बड़े कृष्ण के बड़े बड़े दिग माने नेत्र जो है वो क्या है, चंचल है। चंचल का मतलब गतिमान है, कभी इधर जागते हैं कभी उधर देखते हैं, तो उनके चंचल नेत्रों में बड़ी ही अस्थिरता है, बड़े बड़े नेत्र हैं उनके। और मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मंद माने धीमी धीमी हंसी जो है ऐसे लगती है मानो मुख रूपी चंद्रमा पर, मुख चंद यानी उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, और जुनाई कहते हैं चांदनी, तो उनके मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी जैसी मंद हंसी जो है वो सुशोभित होती है। जिस प्रकार चंदा के चारों ओर चांदनी बिखरी सुंदर लगती है, वैसे ही कृष्ण के मुख पर धीमी धीमी हंसी जो है सुशोभित होती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, देव कहते हैं कि यह संसार जो है, एक जग यानी संसार जो है किसके रूप में है, मंदिर रूप में है, और दीपक सुंदर, जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदर लगता है उसी प्रकार इस संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान कौन है, श्री कृष्ण है, श्री ब्रज दूल्हे है, ब्रज प्रदेश के दूल्हे के समान यानी सबसे प्रमुख व्यक्ति के समान है, जैसे बारात में दूल्हा सबसे प्रमुख होता है वैसे ही इस ब्रज प्रदेश के दूल्हे के समान श्री कृष्ण है, जो संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान प्रज्वलित है। और देव सहाय, कभी देव कहते हैं कि वो सभी जनों के सहाय है, सहायक है, सहायता करने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं विद्यार्थियों कि छंद अलंकार की अगर हम बात करें तो कटी किंकनी, कटी किंकनी यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है, ठीक है। इसके बाद
लसे पट पीत, तो पट पीत पै पै की आवृत्ति है, यहाँ भी क्या है अनुप्रास अलंकार है, ये हुल से हृदय स्थल पर हुलसित होती है, तो यहाँ भी है की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति में बात करें कि जग मंदिर संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान, तो यहाँ क्या है जग मंदिर दीपक सुंदर में क्या है रूपक अलंकार है। और मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या है रूपक अलंकार है। तो रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। भाषा की बात करें तो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, और माधुर्य गुण है क्योंकि बहुत ही मधुर शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो माधुर्य गुण है। इसके साथ ही वर्णनात्मक शैली है, वर्णन किया जा रहा है कृष्ण की सुंदरता का। बात करें हम इसमें गुण की, तो माधुर्य गुण है और साथ ही लक्षणा शब्द शक्ति का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। तो ये इसकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं अलंकारों की बात की, और छंद जो है इसमें सवैया छंद प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से कवि देव ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।